जाति गणित में आज हम पहुंचे हैं हरियाणा की गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र, वो गढ़ी सांपला जिसको पहचान मिली दीनबंधु चौधरी छोटू राम की वजह से, क्योंकि उनका जन्म इसी गढ़ी सांपला में हुआ। वो बड़े किसान नेता हुए, दीनबंधु कहलाए, किसानों की हक की आवाज और शिक्षा की उन्होंने बात की। लेकिन मौजूदा हालात में गढ़ी सांपला किलोई की पहचान है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। वो यहां से 5 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुके हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में 50% से ज्यादा जाट मतदाता हैं। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जाटों से परे इस विधानसभा पर भरपूर समर्थन मिला। अब तक सतीश नांदल ने 39,000 सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के खिलाफ यहां से हासिल किए। यहां हुड्डा उम्मीदवार बनते रहे। भूपेंद्र हुड्डा के अलावा भी हुड्डा खाप के नेता यहां से विधायक होते रहे। ऐसे में अब की बार बीजेपी ने यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है, जो सिर्फ 2 साल पहले ही सियासत में आई है। तो क्या होगा हुड्डा फैक्टर, क्या होगा जाट का जाति गणित, और क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां जाति के बैरियर से परे सीएम कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है? इन सभी सवालों को टटोलेंगे और घूमेंगे गढ़ी सांपला किलोई के विभिन्न इलाकों में। गढ़ी सांपला किलोई में सिर्फ 2 फैक्टर हैं, एक जाट और एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जिधर जाएंगे इन्हीं का जिक्र पाएंगे, जाट ही क्यों और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही क्यों। जाट इसलिए क्योंकि गढ़ी सांपला किलोई में जो 4 जातियों की तादाद है उसमें जाट वोटर का नंबर सबसे ज्यादा है। लगभग 1,35,187 जाट वोटर हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसलिए क्योंकि पिछले 5 विधानसभा चुनाव से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहां से विधायक हैं। यहीं की विधायकी पर वो मुख्यमंत्री भी रहे। लेकिन क्या 6वीं बार भी भूपेंद्र हुड्डा ही विधायक बनेंगे? क्या गढ़ी सांपला किलोई से फिर हरियाणा को मुख्यमंत्री मिलने वाला है? हुड्डा को हराने का क्या है बीजेपी का प्लान? इन तीनों सवालों का जवाब गढ़ी सांपला किलोई में ही जाटों के गांव से मिला। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़ी सांपला किलोई। गढ़ी सांपला, वो गढ़ी सांपला जिसको सबसे पहले पूरे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली दीनबंधु सर छोटू राम की वजह से। किसान नेता हुए, किसानों को संगठित करने, पढ़ाई पर जोर देने से उनकी पहचान हुई। और हाल फिलहाल गढ़ी सांपला किलोई की पहचान ये है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के दिग्गज नेता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो यहां से चुनाव लड़ते हैं और कहा जाता है कि ये उनका इलाका है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो अब की बार हरियाणा की तस्वीर क्या दिख रही है? जब बाकी दुनिया देख रही है कि सीएम कौन होगा, आपके मन में तो सीएम पक्का है, अब आप क्या देख रहे हैं हरियाणा का चुनाव? कौन सीएम होगा, किस बात पर चुनाव, किस तरफ जाए? देखो जी, पार्टी में थोड़ा विवाद भी है, ठीक है ना। जो कर शैलजा जी है, अपने वीरेंद्र जी, वो जो है रणदीप सुरजेवाला जी है, तो उनमें थोड़ा विवाद होने की वजह से अभी सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं कराया है, स्पष्ट नहीं कराया, ठीक है जी। उसके बाद में बावरिया साहब ने ये भी कही है, अक भाई सीएम में जो है कोई सांसद भी बनाया जा सके है, समझे जी, खुद रखने के लिए। तो के तो जो है भूपेंद्र जी आओगे सीएम के तौर पर, ना दीपेंद्र हुड्डा होंगे आपके लिए। दीपेंद्र हुड्डा भी आपकी बार लाइन में लग गए हैं? बिल्कुल, उसका इस्तीफा दवा कर बना देंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो वो देख लो ना जी, उन्होंने नो भी कही है बावरिया साहब ने, अध्यक्ष साहब ने, अब भाई जो है कोई सांसद भी मुख्यमंत्री बना जा सके है, समझे जी। तो वो तो हाईकमान है, हमारे तैयार आप में तो दिमाग कम से, लेकिन वो तो अगाऊ चल रहे हैं जी। देखिए, यहाँ से जमीन से जो खबरें चलती हैं वो कई बार टीवी की खबरों, अखबारों की खबरों से आगे चलती हैं। इशारा ये मिल रहा है कि अब की बार भूपेंद्र हुड्डा की जगह दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाया जा सकता है। इस तरह के संकेत आलाकमान ने दिए हैं सांसद शब्द का इस्तेमाल करके, हालांकि सांसद कुमारी शैलजा भी हैं। यहां जाट जाति से लोग जितने बैठे थे सबने एक मत में विधायक के तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम लिया। लेकिन सीएम हुड्डा बनेंगे इसको लेकर चुनौतियों का भी जिक्र किया और सॉल्यूशन के तौर पर दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की राय दी।
गढ़ी सापला किलोई के लोग मानकर चल रहे हैं कि सीएम तो यहीं से बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा बने या दीपेंद्र हुड्डा। इसका जवाब दूसरे जाट गांव से मिला। जो साहब ये बताओ, जमीन पे हम गए कई गांव में, ये भी कह रहे हैं अब की बार सीएम दीपेंद्र बन सकता है। उनका विचार होगा जी, मैंने अपना विचार बताया था। क्या विचार है आपका? हमारा ये विचार है, हमारी परंपरा है, ये हम एक बिरादरी के जाट, हम साथ जाट जी से। अब हमारी ये सामाजिक परंपरा है, बाप प्रधान है, जब तक बाप प्रधान है इतने बेटा नहीं। अच्छा, इतने बेटा नहीं, नहीं। तो अभी भी भूपेंद्र हुड्डा को सीएम के तौर पे देख रहे हैं? हुड्डा को सीएम देखने चाहता हूं। अच्छा, ये जो विपक्षी पार्टी कहते हैं कि ये तो जाटों की सरकार बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं, बाकियों का भी समर्थन मिल रहा है? मिल रहा है जी, खूब सभी का समर्थन। ये देखो, सभी का मिल रहा है। ये बाल्मीकि सैनी साहब, ये भाई साहब सैनी से, ये बाल्मीकि छत्तीस बिरादरी का तो समर्थन मिलेगा जी। अच्छा, क्या कह रहे हो? छत्तीस बिरादरी का तो समर्थन रहता ही है और मिलेगा, इसमें तो कोई संख्या नहीं। बड़ी बात ये है कि जैसे ही छत्तीस बिरादरी की बात होती है तो हरियाणवी कहावत ये है कि हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं, वो एक साथ होकर वोट करती हैं। जब जिस मंच पर, जिस बैठक में 36 बिरादरी शब्द का इस्तेमाल हो जाए, समझ लेना बैठक कांग्रेस की है। और जैसे ही कहें कि ये जाटों का सीएम बनाने के लिए बेचैन है, तो समझ लेना ये बैठक बीजेपी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पहली बार है हरियाणा में जब बीजेपी दो बार सत्ता में रहने के बाद अब सीधे तौर पर कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला नजर आ रहा है, जबकि स्थानीय पार्टियां जेजेपी आईएनएलडी उसका कोई नाम लेवा नजर नहीं आता, और आम आदमी पार्टी अब की बार पहली बार मैदान में है, उसे बहुत कुछ साबित करना है। कौन सीएम बनेगा, लेकिन ये सब तय होगा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव जीतेंगे ही, साथ ही साथ बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने लड़ाई हुड्डा वर्सेस हुड्डा कर दी है। बीजेपी ने गैंगस्टर राजेश हुड्डा की पत्नी मंजू हुड्डा को टिकट दिया है, जो फिलहाल रोहतक जिला परिषद की चेयरमैन है। दो साल पहले ही राजनीति में मंजू हुड्डा ने कदम रखा है। हुड्डा बनाम हुड्डा का पूरा गणित जाटों ने ही समझाया। गढ़ी सापला किलोई भूपेंद्र हुड्डा की कही जाती है सीट, और इस वक्त हम है कुल्ताना गाँव में। 3,500 के करीब यहाँ वोट पड़ते हैं। ताऊ जी, क्या तस्वीर नजर आ रही है आपको अब की बार के विधानसभा चुनाव में? भाई क्या बताऊँ, आई विवाद का कोई बेरा नहीं खेल का। हुड्डा में भी खतरा है? हाँ। कैसे भाई? बेरा ना पड़ता है, बमन भी घने अंडे हैं, सारी मैसूरवारी थी मारा था। लेकिन सवाल तो ये भी है ना कि क्या हुड्डा को सिर्फ जाटों का समर्थन है, बाकियों का नहीं है? जाटों का, बाकियों का नहीं है? बाकियों में गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है। सिर्फ जाटों का नेता हुड्डा? सब थोड़ी आएंगे, दो चार लकड़ जाए तो चार रह जाएंगे। अच्छा सर, क्या तस्वीर नजर आ रही है? ये सीफ माना जाता है कि हुड्डा साहब की सीट है, लेकिन अब की बार दूसरी तरफ से भी हुड्डा मैदान में है, 24 गांव हुड्डा के पड़ते हैं, तो क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखो जी, कलाई हल्के से तो हुड्डा ना रानिया मेरी गल में सैनी हाल फिलहाल अजय है। बाकी तो अपनी हरियाणा की टक्कर है, उम्मा टक्कर है। अच्छा, आप कह रहे हो कि सीएम के चेहरे में टक्कर है, किलोई में कोई शंका नहीं? हाँ जी, किलोई में कोई शंका नहीं। आपको ये टक्कर क्यों नजर आ रही है जी? कहना थोड़ा, ये तो नवाब सैनी आए हैं, इन्होंने थोड़ा दबदबा देखा है कि जो खट्टर तक मजबूत आदमी है। अच्छा, खट्टर से मजबूत एक विकल्प आया? हाँ जी। तो जो खट्टर के खिलाफ नाराजगी थी वो नायब सिंह सैनी खत्म कर देंगे? हाँ जी, कर सके, कर सकते हैं। और ये मंजू हुड्डा कितना बड़ा फैक्टर है, कैसी कैंडिडेट है? हमें कुछ नहीं पता। नहीं पता मंजू हुड्डा के बारे में? सुना है? देखिए सर, इलेक्शन के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि इलेक्शन के बारे में वोटर के अंदर की कोई नहीं जान सकता। अच्छा, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ? अंदर से कुछ, तो बड़ी बात। मेन फैक्टर है, मेन फैक्टर ये है। बाबू जी नहीं, चलिए ठीक है। तो बड़ी बात ये कह रहे हैं कि इलेक्शन में सबसे बड़ी बात यह थी कि वोट होती है गुप्त, बाहर जो कह रहे हैं और अंदर जो वोट कर रहे हैं उसमें बहुत बड़ा फर्क है। यहाँ किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोई दिक्कत परेशानी नजर नहीं आती, लेकिन कह रहे हैं हुड्डा समर्थक होने के बावजूद कह रहे हैं कि सैनी के आने से मुकाबला कड़ा हुआ है। बीजेपी को भी लगता है कि जाट वोट अगर बट गया और गैर जाट वोट मिल गया तो भूपेंद्र हुड्डा को आसानी से जीतने नहीं देंगे।
क्योंकि गढ़ी सांपला किलोई में गैर जाट वोटर्स की भी अच्छी खासी तादाद है, जिसमें ब्राह्मण करीब 28,000, जाटव 19,000, वाल्मीकि 8,700 के करीब है। इसके अलावा गैर जाट दूसरी जातियां 15,000 के करीब है। पिछली बार इस इलाके में कांग्रेस अच्छी खासी जीती थी, 32 तक पहुंचे थे, बाकी जो आप कह रहे हो 55-60 तक जाएंगी, कौन से इलाकों से ज्यादातर सीटें आने की उम्मीद है? एक तो नारोल की पक्की, और ये सोनीपत, रोहतक, झज्जर और गन्नौर, पानीपत और यो लाडवा। अच्छा, लाडवा से सीएम को हरवा रहे हैं आप? मेवा सिंह है पक्का। अच्छा, हाँ सीएम हार जाएंगे? नहीं पे रहा है, पर मक्का मेवा सिंह है। तो दिलचस्प बात ये कह रहे हैं कि लाडवा से जहां सीएम नायब सिंह सैनी मैदान में, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीट है। हाँ, मेवा सिंह। अगर सीएम ही हार जाएंगे तो फिर क्या बचेगा? देखो हार जीत तो है, हार जीत तो होनी है, हार जीत पक्की है। अच्छा, क्या कह रहे हैं सर? पहले प्रधानमंत्री तो ही हार गए, सीएम की क्या औकात है? क्यों देवीलाल आ रहा? कुछ भी ला लो जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आ रहा था, आ रहा था एक बार, एक बार पर आ रहा था ना, किलोई से नहीं, किलोई से नहीं, लोकसभा में आ रहा था, एमपी में आ रहा था, लोकसभा में INLD ने हराया था, 1999 का चुनाव था, मदाने के कैप्टन नारा बने थे। हाँ, कैप्टन इंद्रजीत जीते थे, वो 1999 में कारगिल युद्ध के बाद की स्थिति थी, जब फौजियों के लिए इस इलाके में समर्थन था, INLD की तरफ से मदाना गांव के कैप्टन इंद्र सिंह को उतारा गया था, उस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा की हार हुई थी। लेकिन वो बात 1999 की है, 25 साल से ज्यादा का वक्त चला गया और उस वक्त तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, तो उसके बाद दो बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, तो कद भी बढ़ा है। जरूरी नहीं है कि सारे गैर जाट वोट बीजेपी को पड़े, क्योंकि आम आदमी पार्टी, JJP और दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट उठे हैं जो गैर जाट जातियों पर अपना दावा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कांटा भूपेंद्र हुड्डा का ही ऊपर है। गढ़ी सांपला के इस्माइला गांव में हम हैं। हम हरियाणा में जब जाति गणित कर रहे हैं तो आपने एक बात गौर की होगी, ज्यादातर बोलने वाले बुजुर्ग होते हैं। यहां पर कहा जाता है कि हरियाणा के नौजवान शर्माते ज्यादा हैं। ये जो बैठकी है ये नौजवानों की बैठकी है और यहाँ पर लोग बोलने के लिए राजी हुए हैं। हरियाणा के नौजवान शर्माते ज्यादा है ना? अब ना शर्माते, शुरू गया टाइम, अब वो चला गया। तो अब सियासत में क्या नजर आ रहा है? यहाँ पर जो हुड्डा की एक तरफा है बिल्कुल। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जब हम यहाँ आए गढ़ी सांपला के लोई, तो इस बात में शायद किसी को शंका हो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीतेंगे नहीं जीतेंगे, इसका कोई सवाल हो। सवाल ये है कि गढ़ी सांपला के लोई का वोटर हरियाणा की राजनीति में क्या तस्वीर देख रहा है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये सीएम की तस्वीर देख रहा है जी। अच्छा, सीएम से नीचे कोई बात नहीं? कोई बात नहीं जी, सीधे सीएम है यहाँ पे तो सीधे। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा तीसरी बार बनाएंगे अबकी बार। और 90 में से कितनी सीट? कम से कम 55 तो लगा लो आराम से सीट। 55 आराम से, ये मॉडेस्ट 55 है, वो 60 कह रहे हैं। यहाँ से मुकाबला किसके साथ है? बीजेपी के साथ है, INLD के साथ है, किसके साथ मुकाबला? किसी के साथ नहीं है सर, एक तरफा है। फुल्की टक्कर है ना, तो बीजेपी के साथ है भाई। हल्की फुल्की टक्कर है, वो बीजेपी के साथ है। तो पहली बार यहाँ हुड्डा खाप के 24 गांव पड़ते हैं, पहली बार यहाँ मंजू हुड्डा को उतारा गया, कोई फैक्टर रहेगा? ना जी, कोई फैक्ट नहीं, कोई भी नहीं, भूपेंद्र हुड्डा के आगे फैल है सब कुछ। गढ़ी सांपला में लड़ाई तभी है अगर जाट वोट में फूट पड़ेगी, जो फिलहाल जाटों के गाँव में होता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन कुछ जाट ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि हुड्डा के लिए लड़ाई आसान नहीं है। क्या तस्वीर लग रही है जोशी साहब? कांग्रेस बनेगी जी, यहाँ से तो बन जाएगी मान ली। हाँ जी, बाकी कौन से इलाके में सीट मिलेंगी? किसकी? कांग्रेस की। रोहतक, सोनीपत, झज्जर तो माना जाता है कि हुड्डा के इलाके हैं। हाँ, बाकी कौन से इलाके हैं? बाकी में बीजेपी आओ है। बाकी में बीजेपी आएगी? हाँ, एक इलाहाबाद की इसकी है, चौटाला की। हाँ, एक सीट इलाहाबाद की है, बाकी सारी बीजेपी है। सारी बीजेपी? हाँ जी। तो बीजेपी कितने मुकाबले में? मुकाबले कम से कम पर डे कितनी थी सीटें? 32 थी इनके पास, 40 थी बीजेपी के पास। 30 से 32 काटना है। 32 सीट आज भी बीजेपी को? हाँ जी। यहाँ गढ़ी सांपला किलोई से कोई मुकाबला हो सकता है? हाँ, तगड़ा मुकाबला है। तगड़ा? हाँ जी।
हमें कोई मिला नहीं, क्यों ना मिला है? अच्छा, कैसे इक्वेशन क्या होगी? जो मंजू हुड्डा के आने से फर्क पड़ा है? हाँ जी, जो नया युग है ना, नया युग है वो सारा इस तरफ है। ये नया यूथ नहीं है, सारा है, देख लियो। ये जो सारा युग है उसना लें दो, वो मंजू हुड्डा ना डाल लें दो, वो समर्थन में सारे चलेंगे। अच्छा, ऐसा क्या, ऐसी कौन सी जादू की छड़ी है? कौन सी? नया युग तो जागा उस गैल। नया युग? हाँ जी, जाना पड़ेगा, देख लियो, ये तो है, जाना पड़ेगा उनसे। किस बात पे? यो जो है पुराना जो उड्डा है ना, यो उड्डा ने इसे काम इसे कई करी है, जो अपने 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 मुंह लागते हैं काम, निजी निजी काम की है। हाँ, इसने काम नहीं किया, आप ये कहना? हाँ जी, कुछ युवा और है। हाँ, ये काम है। हाँ जी सर, मेरे देखे बोल दो। चलो, ये नहीं है। तो ये पांच की बैठक में इकलौते बीजेपी के समर्थक निकले हैं, जो कह रहे हैं कि हुड्डा को गढ़ी सांपला किलोई से चुनौती मिल सकती है। हाँ, मलिक जी, तो बीजेपी की सरकार बन रही है कांग्रेस की? सरकार रली मिली। रली मिली? हाँ जी। अगर मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में, तो रली मिली कैसे होगी? सीट कम है थोड़ी सी, कांग्रेस की कम है? हाँ, तो बीजेपी की कम है? बीजेपी की तो उतनी है, कांग्रेस की कम है। अच्छा, कांग्रेस की अगर कम है और बीजेपी की उतनी है, तो कांग्रेस की या बीजेपी की मदद कौन करेगा? इन्हें लड़ना पड़ेगा, अभी कांग्रेस वाला नहीं देना अपना समर्थन के में, और ना ही इसने निर्दलीय देंगे ये। हाँ, निर्दलीय की बात कर रहे हैं, जहाँ 60+ का दावा कह रहे कांग्रेस के साथ मुकाबला है, इकलौते आदमी मिले।